आज की वीडियो होने वाली है रैपिडो के ऊपर। जो लोग जो है रैपिडो में बाइक चला के अपनी डेली लाइफ या फिर अर्निंग करना चाहते हैं, तो कि रैपिडो में कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी बाइक लगेगी, कितने पुराने जो है बाइक आप रैपिडो में चला सकते हो, तो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, क्योंकि मेन रैपिडो में ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है ना कि बाइक। एंड अर्निंग अप टू 30,000 पर मंथ, 30,000 पर महीने का कमा सकते हो। कौन कौन सी बाइक जो है रैपिडो में चल सकती है, मेन पॉइंट तो यही बनता है कि भाई मेरे पास अपाची है, मेरे पास MT-15 है, मेरे पास R15 है, मेरे पास 600 cc है, मेरे पास 900 cc है। जैसे कि मेरी MT-15 मैं रैपिडो में चलाता हूँ, भाई ये लीगल नहीं है, साफ बता रहा हूँ आपको, आप जो भी करोगे अपने रिस्क पे करना। सो ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल राइड विद SDM। सो आज की वीडियो होने वाली है रैपिडो के ऊपर। जो लोग जो है रैपिडो में बाइक चला के अपनी डेली लाइफ या फिर अर्निंग करना चाहते हैं, तो सीरियसली ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि रैपिडो में कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सी बाइक लगेगी, कितने पुराने जो है बाइक आप रैपिडो में चला सकते हो, कितने टाइम तक सुबह से लेकर शाम दिन रात कब तक जो है रैपिडो में बाइक चला सकते हो, क्या डेली की अर्निंग होने वाली है, जो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो भाई वीडियो को ज़रूर देखें और बताने वाला हूँ रैपिडो को कैसे ज्वाइन करना है, सारी चीज़ A to Z जो वीडियो में कवर होगी। तो शुरू से देखें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल में जो है प्ले स्टोर ओपन करके आपको जो है रैपिडो सर्च करना है, प्ले स्टोर के अंदर रैपिडो टाइप करना है। रैपिडो टाइप करने के बाद आपके पास जो है आपको दो रैपिडो के एप्लीकेशन दिखेंगे। फर्स्ट है येलो आइकन में है जिसमें बाइक बनी हुई है, रैपिडो बुक बाइक टैक्सी। एंड सेकंड नंबर पे है जो है वाइट कलर के टैग में जो आ रहा है, ये मैंने ओपन किया है, रैपिडो कैप्टन बाइक टैक्सी ऑटो। तो आप भाई सर्विस देने वाले हो, मतलब कि जो है आप अपनी बाइक से अर्निंग करना चाहते हो, ना कि आप जो है इधर से उधर मतलब कि सर्विस लेने वाले हो, आप सर्विस देने वाले हो, मतलब कि आप बाइक चलाना चाहते हो। तो रैपिडो कैप्टन बाइक टैक्सी जो है एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड जो है हम इंस्टॉल होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर बाकी का इंटरफेस दिखाता हूँ क्या होता है। सो गाइस देखो, सक्सेसफुली जो है रैपिडो का ऐप कुछ ही सेकंड में फ़ोन के अंदर जो है चालू हो चुका है। अभी जो है फ़ोन पूरा डाटा स्कैन कर रहा है कि ये एप्लीकेशन सेफ है यानी, तो ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है एंड वेट करते हैं क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो भाई आपको बता दूं, मैं रैपिडो में पहले से ज्वाइन हूँ, तो शायद बहुत सारे मैं ऑप्शन आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जो जो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि मेन रैपिडो में ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट ज़रूरी है ना कि बाइक, डॉक्यूमेंट ज़रूरी है ना कि बाइक। तो बता देता हूँ, ये मैं एप्लीकेशन को चालू कर लेता हूँ। तो इसमें लिखा रहा है वेलकम टू रैपिडो कैप्टन एंड अर्निंग अप टू 30,000 पर मंथ, 30,000 पर महीने का कमा सकते हो। टाइमिंग सर्विस जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से 1 घंटा चलाओ, 10 मिनट चलाओ, 10 घंटे चलाओ, 24 घंटे चलाओ, सुबह चलाओ, शाम चलाओ, दिन चलाओ, रात चलाओ, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी का काम है। लाइक अ बिजनेस, जैसा आप बिजनेस चलाना चाहो ऐसी, ये है अपनी मर्जी से करना चाहते हो। तो ऐप ओपन करने के बाद जो है इधर लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इंग्लिश लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें लिखा रहा है कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी, ये डॉक्यूमेंट रेडी करने, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल RC और थर्ड ये था जो है। अब इधर आ रहा है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, मैं तो भाई पहले से रैपिडो में कनेक्ट हूँ, तो शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। व्हीकल RC, आपका लाइसेंस और हाँ लाइसेंस, आधार कार्ड ये भी, और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड, इनमें से एक, व्हीकल RC लाइसेंस एंड जो है आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन दो ID में से एक लगेगा। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले करना क्या है, अभी जो मेरी एप्लीकेशन डायरेक्टली लॉगिन हो गई, क्योंकि यार मैं पहले से इसमें जो है ज्वाइन हुआ हो रखा हूँ, तो मेरे को सारे ऑप्शन दोबारे से देखने को नहीं मिलेंगे इधर। बाकी जो है मेरा एप्लीकेशन चालू हो चुका और इधर ऐसा इंटरफेस आएगा अभी। सो गाइस ये इंटरफेस आया है, जैसे कि मैं ऑफ ड्यूटी है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले यार मैं बता देता हूँ, इस एप्लीकेशन को साइड रखते हुए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है व्हीकल RC की ज़रूरत पड़ेगी, व्हीकल RC जो है आप एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, RC अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, व्हीकल नंबर भी डालना पड़ेगा आपको, RC अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। एंड इसके बाद क्या करना है, कौन कौन सी बाइक जो है रैपिडो में चल सकती है, मेन पॉइंट तो यही बनता है कि भाई मेरे पास अपाची है, मेरे पास MT-15 है, मेरे पास R15 है,
मेरे पास 600 cc है, मेरे पास 900 cc है। तो भाई सबसे पहले बता दो, जो यूट्यूब पे वीडियो घूमते हैं ना सुपर बाइक पे लड़कियों को पिक कर रहे, ये वो, ये सारा इलीगल है। रैपिडो जो है सुपर बाइक्स को अलाउड नहीं करता। तो भाई ये खास बात है, रैपिडो जो है सुपर बाइक्स को अलाउड नहीं करता है। रैपिडो में सिर्फ और सिर्फ 150 cc तक की बाइक्स चल सकती है। जितने भी बाइक आपको दिखती है सड़क पे वो सारी फेक होती है। फेक मतलब कि रजिस्ट्रेशन किसी और से, और चला कोई और रहा है कोई और बाइक, मतलब कि रैपिडो सिर्फ 150 cc तक की बाइक अलाउड करता है। और इसके अंदर भी कैटेगरी डिवाइड है, ऐसा नहीं कि जैसे कि मेरी MT-15 मैं रैपिडो में चलाता हूँ, कि भाई ये लीगल नहीं है, साफ बता रहा हूँ आपको। आप जो भी करोगे अपने रिस्क पे करना, MT-15 जो है रैपिडो में अलाउड नहीं है। क्यों? तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ, व्हीकल नंबर आपको डालना है, उधर अपनी RC अपलोड करनी है, आगे पीछे से जो है RC की फ़ोटो अपलोड करनी है। एंड उसके बाद क्या करना है, गाड़ी बाइक बताता हूँ कौन सी होगी। आप जो है छोटी बाइक, कम्यूट बाइक जो है, जिनकी प्लेन सीट है, कम्यूट बाइक जो प्लेन सीट है, लाइक स्प्लेंडर, प्लेटिना, HF डीलक्स और CT 100, ये छोटी छोटी बाइक्स जिनकी प्लेन सीट है और जो कि 150 cc से कम है, 100 cc, 125 cc, 130 cc, 35 cc, डिस्कवर जैसी बाइक्स, 150 cc से कम और जो कि जिनकी सीट प्लेन है, जो कि रिलैक्सिंग बाइक है, पीछे जो है बंदा आराम से बैठ जाए, वो बाइक जो है रैपिडो में आप लगा सकते हो। मैं जो MT-15 चलाता हूँ रैपिडो में, वो मैं जो है अपने रिस्क पे चलाता हूँ, ये अलाउड नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगे ये रैपिडो में अलाउड नहीं है तो मैं कैसे चलाता हूँ बाइक। मैंने जो है अपनी दूसरी बाइक, ठीक है, दूसरी बाइक मतलब कि स्प्लेंडर है मेरे पास, मैंने जो है रैपिडो के अंदर जो है स्प्लेंडर बाइक की RC अपलोड की है, उस बाइक की डिटेल्स डाली है। कहने मतलब है जो स्प्लेंडर है उसकी डिटेल्स मैंने रैपिडो में डाल के अपनी ID चालू करी है, अपना लाइसेंस डाला है, ठीक है। और मैं जब व्लॉग बनाने जाता हूँ तो मैं अपनी MT-15 लेके जाता हूँ। अब वहाँ पर भाई 100 सवाल भी उठते हैं कस्टमर्स के, कि मैंने तो मैंने स्प्लेंडर बुक किया, आप तो MT-15 लेके आ रहे हो, मैंने तो HF डीलक्स बुक किया, आप जो है KTM लेके आ रहे हो। तो भाई सवाल तो उठता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये अगली वीडियो में कवर करूँगा इनसे कैसे सॉल्यूशन लेना है। तो मैं बता देता हूँ, फाइनल से दोबारा बता रहा हूँ, व्हीकल नंबर डाला, RC अपलोड करी, फ्रंट बैक साइड, छोटी बाइक्स 150 cc तक की बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक को छोड़कर, ठीक है। रैपिडो में एक है हीरो एक्सट्रीम 160 cc बाइक है, ये वाली रैपिडो में चल सकती है क्योंकि इसकी प्लेन सीट है। जब आप रैपिडो के अंदर जो है डॉक्यूमेंट डालोगे ना, RC डालोगे, तो रैपिडो डिसाइड करेगा कि कौन सी बाइक इसमें चलेगी। वो रिजेक्ट भी हो सकती है जो आप डालने वाले हो, 150 cc छोटी बाइक जो गारंटेड चल जाएगी, स्प्लेंडर जैसी जो बाइक है ये गारंटेड चलने वाली है, ठीक है, बड़ी बाइकें नहीं चलने वाली। तो भाई अब बात आती है कितनी पुरानी बाइक जो है मैं रैपिडो में चला सकता हूँ। तो भाई 2011 के बाद का मॉडल, मतलब कि 2011 के बाद के मॉडल की जो बाइक्स हैं, अभी 2023 चल रहा है, 2011 के बाइक की जो कि 10 साल पुरानी, 9-10 साल पुरानी बाइक जो आप रैपिडो में चला सकते हो। बाइक की जो एज होती है 15 साल होते हैं, लेकिन आप 10 साल से कम एज की बाइक्स को जो है रैपिडो में चला सकते हो, मतलब कि 2011 के बाद के मॉडल की बाइक्स। आज की डेट ये रूल 2023 के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि 2011 के बाद की बाइक जो आप रैपिडो में चला सकते हो। तो भाई इस तरीके से जो है आप, अगर आपके पास अपाची समझ लो, MT-15 समझ लो, R15 समझ लो, अगर ये बाइक्स हैं तो आप जो है अपने किसी यार दोस्त की, फैमिली की, घर परिवार की, किसी की भी बाइक की जो है RC डालनी है आपको, सिर्फ रैपिडो के अंदर RC डालनी है, व्हीकल नंबर डालना है, और कस्टमर के पास अपनी बाइक लेके जा सकते हो, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको क्या सॉल्यूशन करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उधर डालना है, उसके बाद डालना है लाइसेंस, जो आपके पास वैलिड लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप जो है रैपिडो के अंदर अपनी ID चालू कर सकते हो, ठीक है। चालू होने के लिए जो है रैपिडो कंपनी आपके पास 48 घंटे का टाइम मांगते हैं, 48 घंटे के अंदर जो आपको वेरीफाई कर देगा। जब वेरीफिकेशन हो जाएगी ना, तो रैपिडो के भाई कुछ रूल्स हैं, रूल्स ये है कि रैपिडो जब आप अपनी जो ID वगैरह डालोगे तो उधर एक ट्रायल वीडियो आती है, ट्रेनिंग वीडियो, तो उसमें वो बताएगा रैपिडो कि आप इस टाइम से इस टाइम
पूरे दिन आधा दिन ऐसे काम कर सकते हो, आपको ये करना है, आपको हेलमेट यूज करना है, आपको शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, जो है रैपिडो अपने रूल्स बताएगा जैसे कि आप डेली लाइफ में ट्रैफिक में फॉलो करते हो, ठीक है। सो ये तरीके के रूल्स रैपिडो बताएगा, तो भाई वो सभी रूल्स को आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। एंड जब 48 घंटे के अंदर आपकी जो है अच्छे से वेरीफाई हो जाएगी ना एप्लीकेशन के अंदर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, मोबाइल नंबर सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, तो उसके बाद जो है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड जो है निकल के आएगा आपके इसके अंदर, रैपिडो के अंदर कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड निकल के आएगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ है ऑफ ड्यूटी, अगर मैं इसको कर देता हूँ, पहले लोकेशन मांग रहे हैं मेरी, मैं किस एरिया में हूँ, तो मैं लोकेशन ऑन कर देता हूँ। अब देखो मैंने ऑन ड्यूटी कर दिया, ऑन ड्यूटी का मतलब हो गया कि अब देखो ऊपर एक रैपिडो सर्विस लिस्टिंग फॉर ऑर्डर्स का नोटिफिकेशन आया, कि मतलब कि अब ये जो है रैपिडो मेरे एरिया में जितनी भी बुकिंग्स हैं सर्च कर रहा है, मैं जो है ऑन ड्यूटी आ गया। ऑन ड्यूटी का मतलब कि मैं तैयार हूँ काम करने के लिए, बाइक राइड करने के लिए, अब मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कस्टमर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आता है, नीचे एक हाई डिमांड एरिया, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इधर जो है ऑप्शन दिखाएगा कि कौन से एरिया में ज़्यादा डिमांड है, चाहे वो 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर भी, 4-5। तो रैपिडो इधर जो है वो एरिया दिखाएगा कि आप इस एरिया में जाओ, यहाँ पर आपको बुकिंग मिलने के चांस है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। सो कुछ इस तरीके का आएगा ये, आप 3 लाइन्स पर क्लिक करोगे तो इधर आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, अर्निंग दिख जाएगा जो आप कमाते हो रैपिडो के अंदर, इधर जो आपको बैंक वगैरह डिटेल सब डालने होते हो, उधर जब वेरीफाई हो जाएगा तब अर्निंग जो है आपके सामने आ जाती है। ये मेरी लास्ट अर्निंग है 32 रुपीज़, टुडे पे क्लिक करता हूँ तो आज मैं कुछ राइड करने नहीं गया तो 0 है। हिस्ट्री में करूँगा तो भाई ये सारा डाटा निकल के आता है हिस्ट्री में, ठीक है। मिसिंग ऑर्डर कितने हैं, कंप्लीट ऑर्डर कितने हैं, कैश कितना कलेक्ट किया है, अकाउंट में कितनी पेमेंट आई है कस्टमर से, सो ये सब डाटा इधर दिखता है। और इसके बाद है रिवार्ड्स, रिवार्ड्स है कि रैपिडो कुछ आपको ऑप्शन देता है कि आप रात में जो 8 बजे के बाद 12 बजे तक काम करोगे तो आपको इतना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, आप सुबह 8 से 10 के बीच में 4 राइड करोगे तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे राइड के किराए के अलग से, मतलब कि ऐसे टाइम में कुछ, मतलब रैपिडो जो आपको कुछ ऑप्शन देता है इंसेंटिव कमाने का, रात में करो या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में, भाई बहुत कम सर्विस मिलती है, तो उस हिसाब से रैपिडो आपको ऑप्शन देता है कि इतनी राइड करो आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 40-50 रुपये ऐसे मिलेंगे इतनी राइड पर, तो भाई बहुत सारे इधर ऑप्शन हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा भाई, पूरे एक एक ऑप्शन खोल खोल के बताऊंगा क्या है। तो अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो में दोबारा से मैं बता देता हूँ क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा रैपिडो के अंदर, दोबारा से बता रहा हूँ। रैपिडो के अंदर जो है आप 10 साल से पुरानी बाइक चला सकते हो, 2011 के बाद का मॉडल, अभी 2023 चल रहा है, 2011 के बाद का मॉडल, 10 साल पुरानी बाइक्स जो कि 150 cc से कम हो, स्प्लेंडर, HF डिलक्स, प्लेटिना वगैरह जैसी बाइक, प्लेन सीट वाली जो कंफर्टेबल हो, स्पोर्ट बाइक ना हो, वो रैपिडो के अंदर चल सकती है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपके पास अपाची है और वो रैपिडो में नहीं चल पाएगी तो आप किसी स्प्लेंडर, चाहे अपने यार दोस्त, सिर्फ ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक है और कोई इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी अपने यार दोस्त की प्लेटिना स्प्लेंडर जो भी है उसकी RC फ़ोटो डालो, व्हीकल नंबर डालो, अपना लाइसेंस नंबर डालो, आधार के फ्रंट की कॉपी, बैक की कॉपी ये डालो और बस छोड़ दो। फिर 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद देखो आपकी जो है वेरीफिकेशन उधर हो जाएगी, बस ये छोटा सा प्रोसेस है। एंड उसके बाद जो है आपका रैपिडो की ID चालू हो जाएगी और आप अपनी बाइक को ब्रूम ब्रूम करके ले जा सकते हो। तो गाइस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, कुछ सवाल जवाब किसी के रह गए हो तो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही, अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो कमेंट में थम्स अप दे देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे ही कुछ हेल्पिंग वीडियोस लाता रहूंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।